सब्सक्राइब कीजिए ओमर जी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरीके आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो गाइस, आज के टाइम या फिर कह लें कि आज के दिन एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आ रही है, और वो है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की डेथ। लेकिन उनकी डेथ से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट है जो शायद आप लोग सुनकर दंग रह जाने वाले हो। तो गाइस, आर्टिकल 370 और सुषमा स्वराज की डेथ के बीच एक बहुत छोटा सा रिलेशन है, हालांकि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ऐसा कहना सिर्फ मेरा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमर जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। सो गाइस, सुषमा स्वराज की डेथ से रिलेटेड फैक्ट ये है कि उन्होंने कल रात 7 बजे ही एम्स हॉस्पिटल से बैठकर एक अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वो अपने जीवन काल में इस आर्टिकल 370 को हटते हुए देखना चाहती थी जम्मू एंड कश्मीर से। तो ऐसे में ये जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, उसके एग्जैक्टली 2 घंटे बाद ही उनकी डेथ न्यूज़ आई। हालांकि उन्हें बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और डॉक्टर्स उनको लगातार देख रहे थे, और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ ऐसी न्यूज़ मिल पाए उनके बारे में। लेकिन गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एग्जैक्टली 2 से 2.5 घंटे पहले ही ये ट्वीट किया था, और इस ट्वीट के सिर्फ 2 से 2.5 घंटे बाद ही कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे सामने देखने को मिली। तो गाइस, ये थी सुषमा जी की डेथ से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फैक्ट, जिसके बारे में आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इसे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और गाइस अगर आप भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।